कहा जाता है, झूंसी के निकट की प्रयाग क्षेत्र की घटना है। महर्षि च्यवन गंगा जी के जल में प्रविष्ट होकर प्राणायाम चढ़ा करके भजन कर रहे थे, तप कर रहे थे। सैकड़ों वर्ष उनको व्यतीत हो गए। एक समय की बात है, कुछ मछुआरों ने जाल डाला और जाल को जब वे खींचने लगे तो उस जाल में लिपट करके फंस करके महर्षि च्यवन चले आए। मछुआरे तो सोच रहे थे कि जाल कुछ वजन लग रहा है, लगता है खूब बड़ी मछली पकड़ में आई है, पर मछलियां तो छोटी छोटी पकड़ में आई थी। महर्षि सेवाल से सने हुए जाल में लिपटे हुए महर्षि च्यवन बाहर आ गए। उन ऋषि को देख करके वे मछुआरे, वे मलाह मत्स्यजीवी, वे थरथर कांपने लगे, क्योंकि जब आज की विकट भौतिक परिस्थितियों में जहां संस्कार और सदाचारों का निरंतर ह्रास हो रहा है, आज भी संत वेश के प्रति भारतीय प्रजा में श्रद्धा है, इस बात का महाराज जी हमें बार बार अनुभव हो। हम सच्ची कहें, आप लोगों की श्रद्धा को देख करके हमें अपने आप में ग्लानि होती है। आप लोगों की जैसी पवित्र श्रद्धा है, वैसी श्रद्धा के लायक हम नहीं, वैसी पात्रता हमारी नहीं है। इसलिए हमें तो आप ही बड़े महात्मा के रूप में दिखाई पड़ते हैं, जिसने एक सामान्य मनुष्य के प्रति इतनी श्रद्धा और आदर की भावना रखी हुई है। तो ये यहाँ की मिट्टी का संस्कार है कि संत के वेश के प्रति श्रद्धा। यद्यपि संतों के इस पवित्र वेश को कलंकित करने की कसर छोटे मोटे की बात छोड़ दो, बड़े बड़े लोगों ने भी नहीं छोड़ी। और आज भी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, लेकिन फिर भी भारतीयता ये कहती है संत का वेश दिखाई पड़े तो वंदन करो, श्रद्धा करो। और वो तो उस जमाने की बात है, पौराणिक वैदिक काल की बात है। उस समय तो बड़ी श्रद्धा थी, वे मछुआरे थर थर कांपने लगे और उन्होंने कहा, महाराज मेरे अपराध को क्षमा करें, हम नहीं जानते थे आप भजन कर रहे हैं, आपको हम मुक्त करते हैं। बोले, नहीं, ऐसे मुक्त करोगे तो मैं शापित कर दूंगा, तुमने इतना श्रम किया, जाल डाला, हमको बाहर निकाला, अब हमको बेच करके और अपने गृहस्थ आश्रम को चलाओ, तुम तो मत्स्यजीवी हो, जाल में फंस के जो आ जाए उसको बेचो। बेचारे घबरा गए। उस समय वहाँ प्रतिष्ठानपुर में गद्दी पर महाराजा नहुष विराजमान थे। मछुआरे नहुष के पास गए और नहुष के पास मछुआरे ने जाकर के कहा, नहुष के पास मछुआरों ने जाकर के कहा कि हे भगवान, ऐसी ऐसी घटना घट चुकी है, अब हम क्या करें, आप हमारे लिए उपाय बताइए, हम क्या करें। नहुष दौड़े हुए निकट आ गए। आकर के उन्होंने महर्षि च्यवन को श्रद्धा पूर्वक प्रणाम किया और महाराज श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करने के पश्चात उनसे प्रार्थना की कि आप धोखे से इन मछुआरों के जाल में आ गए हैं, इसलिए अब आपके चरणों में हमारी प्रार्थना है, आप कृपा करके पधारें। और जैसे आप तप कर रहे थे उसी प्रकार से पुनः आप तप में प्रवृत्त हो जाएं, आप तपस्या में लग जाएं। यह सुनकर के उन्होंने कहा, राजन आपके सौहार्द का हम आदर करते हैं, किंतु ये बेचारे गरीब मछुआरे, इन्होंने इतना श्रम किया है
तो इतना श्रम जब किया है तो इस श्रम का फल उन्हें मिलना चाहिए, इस श्रम का फल मिलना चाहिए इनको। क्या बोले, हमारा मूल्य दे दो इनको और फिर हम मुक्त हैं तपस्या के लिए। नहुष बोले, मैं 1,000 स्वर्ण मुद्रा इन मछुआरों को दे करके और आपको मुक्त करता हूं। च्यवन ने डांटते हुए कहा कि राजन, तुम्हारा विवेक कहां चला गया? एक ऋषि का मूल्य केवल 1,000 स्वर्ण मुद्रा। बोला, महाराज भूल हो गई, 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा, बोले ये भी मेरा मूल्य नहीं। 1,00,00,000 स्वर्ण मुद्रा, ये भी मेरा मूल्य नहीं। आधा राज्य, ये भी मेरा मूल्य नहीं। संपूर्ण राज्य, ये भी मेरा मूल्य नहीं। मेरा उचित मूल्य दे करके मुझे मुक्त करो। अब तो बड़ी समस्या थी, राजा ने अपनी सारी सामर्थ्य न्यौछावर करने का निर्णय कर लिया, तो वो बिचरने लगा। उसी समय गोजात नाम के एक ऋषि का नाम आया महावर, गोजात। उनकी उत्पत्ति गाय के पेट से ही हुई थी। गोजात नाम के ऋषि, उन्होंने नहुष को चिंतित देख करके उनकी समस्या का समाधान किया और कहा, महाभाग नहुष, एक ऋषि का मूल्य एक गाय ही है, इसलिए तुम मछुआरों को एक पयस्विनी सीधी साधी गाय दे दो। और ऐसा ही किया गया। नहुष ने एक सुंदर सुलक्षणा घटोधनी पयस्विनी गाय का जैसे ही गाय को जैसे ही मछुआरों को दिया, उस समय च्यवन महर्षि बोले, राजन तुमने हमारे मूल्य से अधिक मूल्य मछुआरों को दे दिया। गाय का गाय की समता ऋषि नहीं कर सकते। बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है, भगवान की संपूर्ण मूक सृष्टि में गाय श्रेष्ठ है ऐसी बात नहीं। भगवान की संपूर्ण सृष्टि में मनुष्य श्रेष्ठ है, शास्त्र के अनुसार विवेकशील होने के कारण। मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है और ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ गाय है, क्योंकि एक ऋषि एक ब्रह्मर्षि कह रहा है कि मेरे मूल्य से अधिक मूल्य तुमने दे दिया। गाय की समता एक तपोधन तत्वज्ञ ऋषि नहीं कर सकता है, फिर गाय की समता कौन कर सकता है? संसार में राजा का महत्व सबसे ज्यादा है। राजा न हो तो अराजकता फैल जाएगी। सबका रक्षक, सबका पालक, सबका पोषक राजा होता है। वह भी धर्मशील हो, सदाचारी हो, तब तो कहना ही क्या है। और वह सप्तद्वीपवती पृथ्वी का एक छत्र सम्राट दिलीप, वो प्रस्तुत है सिंह के आगे मस्तक झुकाए हुए कि तुम मेरा भक्षण करके अपनी भूख बुझा लो, किंतु मेरे गुरुदेव की गाय को छोड़ दो। अरे तुम बड़े मूर्ख मालूम पड़ते हो, अपने गुरुजी को 1,00,000 गाय देकर संतुष्ट कर देना, एक गाय को क्यों मुक्त कराना चाहते हो? और तुम संतान की प्राप्ति के लिए अनुष्ठान कर रहे हो, और तुम ही नहीं रहोगे तो संतान कैसे होगी, सूर्य वंश क्या क्या होगा? बोले, आपको ये सब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चक्रवर्ती सम्राट से भी अधिक मूल्य एक गाय का है। ब्राह्मण से अधिक मूल्य गाय का, साधु से भी अधिक मूल्य गाय का। और महाराज जी, हमें तो विश्वास है कि हम अतिशयोक्ति या अनुचित बात नहीं कह रहे हैं, भगवान से भी मूल्य ज्यादा गाय का है। श्री कृष्ण हम सबके इष्ट हैं, और श्री कृष्ण से प्रार्थना की जाए कि आप हमारे इष्ट हैं, आपका भी कोई इष्ट देवता है, तो श्री कृष्ण का इष्ट गाय है। इष्ट की चरण रज ली जाती है,
ठाकुर जी पीछे पीछे चलते हैं, गोचारण के समय चलते हैं। तो महर्षि च्यवन ने जो महिमा कही थी उस महिमा के कुछ श्लोक कहने का आज विचार है। उन श्लोकों को कह करके फिर भागवत जी के प्रसंग को हम आगे बढ़ाएं। च्यवन उवाच, च्यवन कह रहे हैं, कीर्तनम श्रवणम दानम दर्शनम चापि पार्थिव गवाम प्रशस्यते वीरा सर्व पापहरम शुभम सर्व पापहरम शिवम। भगवान की नवदा भक्ति का तो प्रहलाद जी ने वर्णन किया है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। अब यहाँ गाय की नवदा भक्ति का च्यवन जी वर्णन कर रहे हैं। बोले गाय के नामों का संकीर्तन करना, कीर्तनम गाय के नामों का कीर्तन करना, गाय की महिमा को सुनना, गो कथा का श्रवण करना, कीर्तनम श्रवणम दो हो गई, दानम विधि पूर्वक किसी अग्निहोत्री ब्राह्मण को गोदान करना, गाय का दर्शन करना, कितनी हो गई, कीर्तन श्रवण दान और दर्शन चार, और गायों का यशो गायन करना, उनका यश गाना। कहते हैं ये साधन संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाले हैं और जीवों का परम कल्याण करने वाले हैं। हे नहुष, गावो लक्ष्म्या सदा मूलम, गावो लक्ष्म्या सदा मूलम, गोषु पाप्मा न विद्यते, अन्नमेव सदा गावो देवानां परमं हवि। हे नहुष, समस्त प्रकार की संपत्तियों का मूल गाय है। अर्थशास्त्र के प्रणेता महर्षि कौटिल्य ने भी अर्थ का मूल जो है वो गाय को माना है। महर्षि च्यवन कह रहे हैं यदि मनुष्य लक्ष्मी प्राप्त करना चाहता हो, शाश्वत संपत्ति की प्राप्ति करना चाहता हो, तो मनुष्य का कर्तव्य है वह गो माता का सेवन करे, गो भक्ति करे, गो उपासना करे। जिसके वंश खानदान में गो भक्ति गो उपासना होती है उसके खानदान में कभी कोई संस्कार शून्य व्यक्ति उत्पन्न नहीं होता, उसके घर को लक्ष्मी छोड़कर कहीं जाती। और गो उपासना नहीं है, गो ग्रास नहीं है, गो भक्ति नहीं है, तो आपकी जो समृद्धि है वो टिकाऊ रहने वाली नहीं। इसलिए संपूर्ण लक्ष्मी का मूल गाय है। और गोसु पापमा न विद्यते, गायों में अणुमात्र भी किसी प्रकार का कोई पाप नहीं है, दोष नहीं है, तमोगुण नहीं है। अरे भाई, जिसके मलमूत्र में, गोमय और गोमूत्र में जिसके ऐसी अपूर्व सात्विकता का निवास हो, वह गाय सात्विकता का कैसा पुंज है इसका वर्णन करने की क्षमता वाणी में नहीं है। संतों की बड़ी महिमा है, बहुत महिमा है संतों की। संतन की महिमा रघुराई, बहुविधि वेद पुराणन गाई। ब्राह्मणों की बड़ी महिमा है, संतों की बड़ी महिमा है, लेकिन किसी ब्राह्मण किसी संत के मलमूत्र की महिमा नहीं है। मलमूत्र तो त्याज्य ही होता है, और गाय के गोमय गोमूत्र की ऐसी महिमा है जिसके बिना ना तो पंचगव्य बन सकता है, न जिसके बिना कोई वैदिक कृत्य हो सकता है, न जिसके बिना यज्ञ संभार विशुद्ध हो सकता है। इसलिए महाराज जी कर्मकांड के ग्रंथों में लिखा है
यज्ञ संभारान पंचगव्येणाभ्युक्ष्य, पंचगव्य से यज्ञ की सामग्री का सिंचन करने के बाद ही वह तिल जौ चावल काष्ठ आदि यज्ञ में प्रयोग के योग्य होता है। कहां तक कहें, ये जो माला है ना, इस माला का संस्कार भी बिना पंचगव्य के संभव नहीं है, पंचगव्य से ही माला का संस्कार होता है। पीपल के पत्ते पर रख करके पंचगव्य से स्नान आदि करा के तब माला का संस्कार होता है, बिना पंचगव्य के माला जप के योग्य नहीं होती। बिना पंचगव्य प्राशन के कर्म करने की योग्यता नहीं, इसलिए गोषु पापमा न विद्यते, गायों में अणुमात्र दोष नहीं है। अन्नमेव सदा गावो, अन्न का अर्थ है प्राण, गाय सबका अन्न अर्थात प्राण है। जैसे प्राण के बिना जीवन संभव नहीं, ऐसे ही गाय के बिना जीवन संभव नहीं, इसलिए संतों ने वाक्य दिया है गाय बचेगी तो देश बचेगा। देश नहीं बचेगा महाराज, गाय बचेगी तो सारी प्रकृति बच जाएगी, गाय बचेगी तो सारा ब्रह्मांड सुरक्षित हो जाएगा। बहुत महिमा है गाय की। सबसे बड़ी महिमा की बात यह है कि गाय पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये जो पांच स्थूल प्रकृति है इसे तो पवित्र करती ही है, सूक्ष्म प्रकृति गीता जी के अनुसार जो मन बुद्धि और अहंकार है उसको भी गाय पवित्र करती है। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृतिरश्रद्धा, तो संपूर्ण अश्रद्धा प्रकृति को शुद्ध करने की सामर्थ्य गाय में है, ऐसी सामर्थ्य अन्य किसी में भी नहीं है, इसलिए गोसु पापमा न विद्यते, गाय में रंचमात्र दोष नहीं है। और महाराज च्यवन जी कह रहे हैं मनुष्यों का प्राण तो गाय है ही है, मनुष्यों का जीवन तो गाय है ही है, देवताओं का प्राण जीवन भी गाय है, क्योंकि देवताओं का आहार यज्ञ है और यज्ञ बिना पंचगव्य के संभव नहीं है। आज महाराज जी यज्ञ खूब हो रहे हैं यज्ञ, जो देखो सोई स्वाहा स्वाहा। अब स्वाहा स्वाहा करने की योग्यता है कि नहीं, इसके विचार की अनिवार्यता नहीं रहेगी, विचार करना चाहिए। अविधि पूर्वक जो यजन करते हैं उससे सात्विकता नहीं बढ़ती है अपितु राक्षसों का बल बढ़ता है, आसुरी शक्ति प्रबल होती है। बाजार के घी में चर्बी आ रही है, ये बात खूब प्रमाणित हो चुकी है।